civil society movements in pakistan. so this session comprised of the discussion on the civil society movements in pakistan because the contemporary history of civil society movements in, in pakistan it can be traced back to events unfolding in 1857 with defeat of natives in war of independence against the british colonial rule. the changes took place in the society of india and then the struggle against the rulers the colonial rulers muslims initiated muslim leadership initiated regarding the unity of muslims and specifically regarding the awareness about education and that was the beginning of civil society in context of this region of subcontinent and we can claim that the muslim leadership of sir syed ahmad khan they initiated the role of civil society for the uh, betterment and for the awareness of the muslims then pakistan came into being and then in pakistan the movements regarding education regarding language रिगार्डिंग ह्यूमन रिट्स रिगार्डिंग माइनॉरिटी रिइट्स रिगार्डिंग रिप्रजेंटेशन ये बहुत सारे मसाइल थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में हमें सिवल सोसाइटी मुतहरक नज़र आई और बहुत से सेगमेंट्स से हमें ऐसे नज़र आए जिन्होंने क्या मैं पाकिस्तान के इब्तदाई दौर से लेकर बायदा तौर पर लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस करिएट की कि वो कैसे हकूमत पर असरानंदाज हो सकते हैं या अपने लोगों को कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं कि उनके बुनियादी हकूक मुतासर ना हों सो पाकिस्तान सिविल सोसाइटी हैज़ प्लेड अ की रोल इन फोर एरिया स्पेसिफिकली नंबर वन द सोशल रिफॉर्मेशन फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस सोशियो इकनॉमिक डिवेलपमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेलफेयर एंड सोशल सेफ्टी नेट अब अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हम जिस एरिया की बात करना चाहें वो है सोशल रिफॉर्म्स हर माशरा हर रियासत जो ख़ास तौर पर नई बनी नई आज़ाद हुई उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत मुख्तलिफ तरह की हुकूमतें आती रहीं वहाँ पर लोगों के लिए ये ज़रूरी था कि लोगों को ये बताया जाए कि कै किस किस्म की सोशल रिफ़ॉर्म्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ये सोशल रिफ़ॉर्म्स एजुकेशन के बारे में भी थीं ये सोशल रिफॉर्म्स इंसानी हकूक के बारे में भी थी फिर इसी तरीके से नई बनने वाली रियासत में सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी रिक्वायर्ड थे तो सिविल सोसाइटी ने एक्टिव होकर खास तौर पर इन चार मकासद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर सिविल सोसाइटी ने बहुत सारी ऐसी तहरीकें भी चलाईं जिनका मतलब क्या था कि वो वो ख़ास पहलू जिनका ताल्लुक़ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस के साथ है उनको किसी तरीके से अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान में ऐसी इन्वामेंट क्रिएट की जाए जहां लोगों को उनके बुनियादी हकूक से लेकर काम करने के मौाक़े से लेकर मुनासिब तनख्वाहों से लेकर लोगों के अंदर उनके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की अवेयरनेस से लेकर बहुत सारे ऐसे बुनियादी काम किए जाएँ जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो क्लास सिस्टम है पाकिस्तान की सोसाइटी में जो एथनिक रिलीजियस जेंडर सेक्टेरियन इंटरेस्ट्स से, हैं उन सब के नतीजे में पैदा होने वाले तनाव को कम करते हुए लोगों को ये बताया जा सके कि ये ये इख्त असल में जब आप एक निज़ाम के अंदर रहते हैं एक माशरे के अंदर आप रहते हैं एक रियासत के निजाम के अंदर रहते हैं तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए रियासत के पास भी हुकूमत के पास भी और लोगों के पास भी कि इन इख्तलाफात को दूर करते हुए हम कैसे पुरमन और पीसफुल जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं तो लोगों के लिए पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी ने जिस तरफ बहुत ज़्यादा काम किया जिन सेक्टर्स के अंदर काम किया उनमें एजुकेशन भी है हेल्थ है ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट है रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है पावर्टी एलिवेशन है क्योंकि अगर हम ये देखें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ बिलखसूस बहुत ज़्यादा गुर्बत है उस गुरबत को दूर करने के लिए हमारी सिविल सोसाइटी ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं साउथ पंजाब है बलूचिस्तान है सिंध है जहाँ बहुत सारे इलाकों के अंदर एजुकेशन एंड स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया अगर हम डिवाइड करना चाहें कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी की मूवमेंट्स को तो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं तो हमें पता है कि बहुत सारी स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं कुछ इंटरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स भी चलती रहीं जिन पर कुछ कास्ट ग्रुप्स का अपना मुफाद होता था फिर कुछ रिलीजियस बेस्ड मूवमेंट्स भी हैं कुछ ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर चलाई जाने वाली तहरीकें हैं कुछ वो सिविल सोसाइटी की एफर्ट्स भी हैं जिनमें उन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए भी उनके हकूक़ के लिए भी जदोजहद की फिर कुछ ऐसी तहरीकें भी हैं जो लोगों की शनाख्त के मसाइल को हल करने के लिए भी चलाई गई फिर कुछ वो तहरीकें हैं जिनका मकसद या मतलब या मतम मतलब नज़र ये था कि किस तरीके से लोगों की डेवलपमेंट के परपज़ को सेटल किया जा सके और उसको हासिल किया जा सके तो पाकिस्तान की सिवल सोसाइटी किसी न किसी तरह हमेशा से ही मुतहरक रही है और उसने लोगों के लिए माशरे के लिए माशरे और रियासत को इकट्ठा करने के लिए अपने किरदार को हमेशा सर अंजाम देने की जदोजहद जो है वो की है उसमें बसाओकत वो बहुत कामयाब नजर आई बसा उस पर तनकीद भी की गई लेकिन हम किसी भी तरह उसके किरदार को डाई नहीं कर सकते